कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो ये जो लॉकडाउन चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, इसमें पढ़ाई जो है वो बाधित ना हो, इसके लिए एक छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूँ। और मेरा विषय इतिहास है, मुझे इतिहास से काफ़ी लगाव है, अच्छा लगता है पढ़ना भी और पढ़ाना भी। तो इस क्रम में मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से, सिर्फ एक ही वीडियो नहीं, वीडियोज के माध्यम से जो हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है वो वाला उसको कवर किया जाए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास जो है अब मूलतः चार पार्ट में बटा हुआ है। अभी तक तीन में था, आप लोग कहेंगे अब चार में कैसे हो गया, यानी जाहिर सी बात है प्रश्न मन में आना चाहिए। तो मैं बता दूं कि सिर्फ चार ही नहीं, ये तो पांच पार्ट हो सकता है। कैसे? देखिए, जो भारतीय इतिहास है उसको अध्ययन के सुविधा की दृष्टि से, यानी अध्ययन में हमें असुविधा ना हो, सुविधा की दृष्टि से सामान्यतः तीन भागों में बांटा गया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको आधुनिक समझना है तो एंशियंट का, जो प्राचीन का लास्ट स्टेप है, उसको समझना जरूरी है। वहीं से आपको पृष्ठभूमि की समझ आ जाएगी कि कैसे आधुनिक इतिहास या सॉरी मध्यकालीन इतिहास का श्री गणेश होता है, आरंभ होता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे प्राचीन से कन्वर्ट होती है मेडिवल में। फिर मेडिवल का जब लास्ट पढ़ेंगे, एंडिंग पॉइंट पढ़ेंगे, तब आपको मॉडर्न की जो समझ है वो आ जाएगी। लेकिन मॉडर्न के बाद भी एक इतिहास आता है, स्वतंत्रोत्तर काल, यानी स्वतंत्रता के बाद का जो कालखंड है 1947 के बाद। अभी बड़े अभी काफी एग्जाम्स में इसको भी ऐड किया जा रहा है एग्जाम्स में कि स्वतंत्रता की जो स्वतंत्रता का संघर्ष हुआ है 1947 के बाद का जो इतिहास है उसको भी जोड़ा जा रहा है सिलेबस में। तो ये चौथा हो गया आपका। और पांचवा आता है वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। ठीक, तो अब सिंपल सा एक चीज बता दें, जो सबसे बड़ी समस्या रहती है कि इतिहास समझ में नहीं आता है, इतिहास पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आएगा और याद तो करना ही नहीं पड़ेगा, समझते चलेंगे और याद होता चलेगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊंगा कि जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो उस नई जगह पर जब आप अकेले जा रहे होते तो एक चीज का ध्यान रखते हैं कि मैं जब रास्ते से जा रहा हूं तो वापस आने के लिए कुछ सिंबल मुझे याद करने चाहिए। भाई आप रास्ते से गए, गली थी, गली से बाएं मुड़े, बाएं मुड़ने के बाद आपने एक पेड़ देखा, पेड़ के बगल में कुआं था, कुआं के बगल में स्ट्रीट लाइट लगी थी, ऐसे सारा सब कुछ देखते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। और फिर होता क्या है कि आपको वो रास्ता याद रहता है। लेकिन अगर आप चाहें कि उस रास्ते का एक एक पॉइंट, एक घर में ईंटा लगा हुआ था, उस ईंटे के बगल से नाली थी, नाली के बगल में एक नल लगा हुआ था, नल के बगल में कुत्ता खड़ा हुआ था, मतलब हर परमानेंट और नॉन परमानेंट, इंपॉर्टेंट एंड नॉन इंपॉर्टेंट हर चीज को अगर याद रखना चाहें तो शायद आप रास्ता यही याद कर पाएंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि सबकी एक कैपेसिटी है, दिमाग की भी अपनी एक कैपेसिटी है। तो इसीलिए इतिहास में दिक्कतें तभी होती हैं जब हर लाइन को हम याद कर लेना चाहते हैं, हर तथ्य को हम याद, भाई हमें देखना यह है कि कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण है, कौन सा नहीं महत्वपूर्ण है। हमें इस तरह से याद करना चाहिए ना, हमें ऐसे तो नहीं याद करना चाहिए कि हर चीज को हम याद करते हुए चले, रटते हुए चले, तो हर चीज याद करेंगे तो हर चीज भूल जाएंगे। थोड़ी चीजें याद रखेंगे, थोड़ी चीजें याद करेंगे तो थोड़ी चीजें याद रहेंगी। तो इसीलिए इतिहास को समझना है तो इतिहास में आपको ये कतई नहीं समझना है कि ये हिस्ट्री है और इसको पढ़ लेना है। हिस्ट्री का जो मेन मकसद है वो ये है कि इतिहास जो है वो परिवर्तनों का विज्ञान है। भाई अगर कोई काम व्यक्ति कर रहा था, उसको छोड़ के दूसरा काम करने लगा, व्यक्ति रोजगार कर रहा था, रोजगार छोड़ के मजदूरी करने लगा, देश में राजा था, राजा हट गया, दूसरा राजा आ गया, तो ये सब क्या है? इतिहास की घटनाएं हैं और इतिहास की इन्हीं घटनाओं के अध्ययन को हम इतिहास का अध्ययन कहते हैं। और जो अध्ययन होता है वो परिवर्तन का अध्ययन होता है, कैसे चेंजेस आए। अगर व्यवस्था सामान्य से चल रही है तो उसमें बहुत ज्यादा अध्ययन की सामग्री आपको नहीं मिलेगी, जब उसमें कोई चेंज आता है, कोई परिवर्तन आता है, तब आपको वहां पर विस्तृत तरीके से अध्ययन की सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। ठीक, तो इतिहास के कालखंड को, इतिहास के कालक्रम को, इतिहास की व्यवस्था को समझने के लिए आप सिर्फ दिमाग में इतना बना लीजिए कि हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है वो घटनाओं का विज्ञान है और इन घटनाओं को जो है समझना है, घटनाओं के कारण हुए परिवर्तनों को समझना है, घटनाओं के पीछे का जो रहस्य है उसको समझना है। हमें पूरी हिस्ट्री को रट के पीना नहीं है। अभी परंपरा क्या चल रही है, पहले हिस्ट्री को निगल लिया जाता है, फिर एग्जाम्स में उगल दिया जाता है, ऐसी प्रक्रिया चल रही है। तो हमें इस प्रक्रिया से बाहर निकलने की आवश्यकता है। घटनाओं का विज्ञान है, घटनाओं को समझना है और आने वाले समय में वो घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, या जो अच्छी घटनाएं रही उनकी पुनरावृत्ति संभव हो, इस पर ध्यान देना है, इस पर फोकस करना है। ठीक, ना कि हमें
उन घटनाओं में ही खो जाना है। होता क्या, हम बोलता है इतिहास की उन्हीं घटनाओं में, आजादी की उन्हीं घटनाओं में, उन्हीं व्यवस्थाओं में हम खो के रह जाते हैं, उसका जो वास्तविक उद्देश्य है वो हम नहीं समझ पाते। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग यही करेंगे कि जो घटनाएं हैं, घटनाएं तो सिर्फ एक उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है, इनके सहारे सहारे आपको परिवर्तनों को पढ़ना है। राज शासन शासन सत्ता में परिवर्तन, सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन, साहित्य में क्षेत्र में परिवर्तन, जो ढांचागत विकास था, भवन निर्माण, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्र कला, ये सारी चीजें हैं जिन सब में परिवर्तन होता चला जा रहा है। उन सभी परिवर्तनों को समझने के लिए इन घटनाओं और इन तथ्यों को हम एज अ एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर लेंगे और उनको समझेंगे। ठीक, हमें इन घटनाओं में नहीं खो जाना है। चलिए इसके आगे हम लोग पहला पार्ट वीडियो का शुरू करेंगे एंशियंट हिस्ट्री से। ठीक है।